हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना, फैशनेबल रीना डिजाइंस में आपका स्वागत है। यहाँ पर 36 साइज़ के हिसाब से ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग आपको बताएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड पेपर ले लिया है, जिसकी लेंथ हमने यहाँ पे 14 इंच कंप्लीट चाहिए। उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच यहाँ पर लूँगी। 1 इंच हमें एक्स्ट्रा ही लेना होता है फ्रेंड मार्जिन के लिए। इन लाइनों को सीधा मिला दे इस तरह से। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, शोल्डर जितने भी हो आपके ब्लाउज का उसके हिसाब से यहाँ पे शोल्डर लेकर उसका हाफ़ कर लीजिए। जैसे यहाँ 14 है तो उसका हाफ़ है 7 इंच। अब अगर आप यहाँ पे बोट नेक बना रहे हो तो आपके लिए 7 इंच पर निशान लगा देना, लेकिन यहाँ पे मैं डीप नेक बना रही हूँ इसलिए इसकी मैं यहाँ पर जो विड्थ है वो कम रखूँगी। मैं यहाँ पर 5.5 इंच रखूँगी, तो इस तरह से आप 1.5 इंच माइनस कर देना तो 5.5 इंच हमारे आ जाएगा। ये देखो 1.5 इंच हमने यहाँ पे माइनस किया हुआ है, तो देखिए ये 5.5 इंच हो गया है। ये हमारा शोल्डर है। अब यहाँ पे हम आरमोल के लिए मार्किंग करेंगे, तो आरमोल भी हमारा यहाँ पे 5.5 इंच पर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम 5.5 इंच इसको नाप लेते हैं इस तरह से, और निशानों को सीधा कर दे। डीप नेक में हमें शोल्डर एंड आरमोल कम रहने होते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 36 हमारा चेस्ट है, इसका 4th पार्ट करेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। एंड कमर में जाएंगे, अब कमर में 7.5 इंच 1 इंच टक्स का और 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने ऊपर चेस्ट में लिया है वही मार्जिन हमें यहाँ पे ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से अभी निशानों को मिला दें। यहाँ पर हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, 2.5 इंच आप यहाँ पे 2.25 भी ले सकते हो। आपको नेक डीप रखना है तो आप कम ही लेना। यहाँ पे लेंथ में 10 इंच एंड विड्थ में 3 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पे मैं राउंड शेप दूंगी, सिंपली राउंड शेप का निशान यहाँ पर लगाऊंगी। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसे उसके हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना। 1/2 इंच बाहर की साइड हम आरमोल में निशान लगाएंगे, 0.5 इंच एंड 1 इंच हम यहाँ आरमोल का शेप के लिए। अभी निशानों को सीधा मिला दे। अब वेस्ट के लिए हम इसको हाफ करेंगे, वेस्ट टक्स के लिए आप 4.5 इंच पर निशान लगा सकते हो इस तरह से। निशान को सीधा कर ले। अब 3.5 इंच इसकी लेंथ, 1/2 इंच दोनों साइड हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे 0.5 इंच इतना डाउन करना है जिससे हमें यहाँ पे आर्मोल में जो रिंकल्स आते हैं उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। 1/2 इंच इधर नेक को डाउन करना है। इससे आपकी ये जो ड्राफ्टिंग है कम्प्लीट हुई 6 साइज के हिसाब से। ये हमारी मार्जिन है, ईजिली इसकी कटिंग कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज़ फ्रेंड, अब यहाँ पर हम जो ये नेक है ये अभी कट नहीं करेंगे। आप आपकी पसंद के हिसाब से यहाँ पर नेक ड्रॉ करके फिर इसको कट करना। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बेक को रखेंगे तरह, और 1/2 इंच इतना हम आई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। चैनल पर और भी वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स, प्लीज़ उन्हें भी चेक कीजिएगा। उसमें मैंने प्रिंसेस कट की सारी साइज़ के ब्लाउज़ बता रखे हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। और ऐसा कैसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आर्मोल का शेप बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम नेक विड्थ में 2.5 इंच ले लेंगे में हमने लिए, और नेक के लिए 6 इंच पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे नेक लेंथ का, और 2.5 इंच विड्थ में लेके यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हो आपकी पसंद के हिसाब से। अब यहाँ पे 5.5 इंच हम आरमोल का लेंगे जो हमने बेक में लिया है वही, एंड 1 इंच हम यहाँ पे राउंड आरमोल का शेप देंगे। फ्रंट में हमें 1 इंच देना होता है, 1/2 इंच कम। अब यहाँ पर आप 0.5 इंच इतना नीचे डाउन कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, 12.5 इंच 12.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच यहाँ पे हम गोलाई देंगे इसकी इस तरह से। ये देखिए
हम यहाँ पे 0.5 इंच इतना कमर साइड भी डाउन कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे 10 इंच पर, एंड यहाँ पे हम 3.5 इंच पर विड्थ में निशान लगाएंगे टक्स का, जो फर्स्ट टक्स है हमारा उसके लिए यहाँ पे। अब 1-1 इंच हम दोनों साइड ले लेंगे इस तरह से और निशान मिला देंगे। अब यहाँ से हम आर्मोल साइड टक्स लगाएंगे, उसके लिए यहाँ पे 2 इंच से 2.5 इंच तक विड्थ में लेंगे और आर्मोल साइड मिला देंगे 1/2 इंच, इन दोनों की दूरी लेंगे। अभी यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाएंगे, दोनों साइड हमें सेंटर पे निशान लगाना है, इस तरह से निशान मिला दे इधर भी। एक पैर इतना हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है सभी में, ये 1/2 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक लेंथ के लिए 6 इंच पर और नेक विड्थ के लिए यहाँ पे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और निशानों को सीधा कर ले इस तरह से। और यहाँ पे कोई भी शेप आप बना सकते हो, मैं यहाँ पे राउंड शेप बना रही हूँ इस तरह से। इस तरह से इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हुई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।